गाइस, पॉपुलर कोरियन वेब सीरीज में खेले जाने वाला स्क्विड गेम अब रियल में खेला जाएगा। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। नेटफ्लिक्स इस वेब सीरीज का रियलिटी शो बनाने जा रहा है जिसका नाम स्क्विड गेम द चैलेंज होगा। इसको लेकर कंपनी ने एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया है जिसमें स्क्विड गेम के कई सीन्स को दिखाया गया है। इस रियलिटी शो में दुनिया भर के 456 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे जिससे ये रियलिटी शो टीवी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा शो बन जाएगा। वहीं इसकी इनामी राशि लगभग 36 करोड़ रुपए होगी जिसे कोई भी प्लेयर जीत सकता है। हालांकि नेटफ्लिक्स ने यह नहीं बताया है कि प्लेयर्स को किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वेब सीरीज में देखें तो हारने वाले को गोली मार दी जाती थी। क्योंकि ये रियल लाइफ शो है तो इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गाइस, ये कहानी है 1970 की, जब एक औरत ने एक स्टोर से टूटी फूटी पुरानी एंटीक गुड़िया खरीदी और उसे अपनी बेटी को बर्थडे में गिफ्ट दे दिया। लेकिन उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि उस गुड़िया के आने से घर में घटनाएं होने लगी। बाद में जब उस गुड़िया पर जांच की गई तो पता चला कि वो गुड़िया अपने आप चलती फिरती है। तब उसे दुनिया की सबसे भूतिया गुड़िया का नाम दिया गया और कहानियों के अनुसार उसकी शक्तियों को काबू में करके उसे एक कांच के बक्से में अमेरिका के वैरन म्यूजियम में रखा गया और जिस पर बाहर चेतावनी के रूप में लिखा हुआ है, भूल कर भी इसे ना छुएं। दोस्तों, आपको बता दे, उस गुड़िया का नाम है एनाबेली डॉल। बहरहाल, इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो।